तुमने मेरा वाला केला क्यों नहीं लिया? नहीं, मैं तुम्हारी केला नहीं लूंगी, क्योंकि तुम्हारी केला बहुत छोटा है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। जेठा जी, अब मैं आपकी नहीं लूंगी। पर बबीता जी, मैं तो आपको ही दूंगा ना, क्योंकि इतने दिनों से तो मैं ही देते आ रहा हूँ ना, आज तो मैं अच्छी तरह से धोया हूँ। पर जेठा जी, मुझे ना बड़े वाले अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपकी नहीं लूंगी। क्या, बड़ा वाला लोगी? तो फिर मुझे क्यों बोला कि मैं तुम्हारी लूंगी? अरे जेठा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है ना, इसलिए मैं आपसे दूध लेना नहीं चाहती थी, आप क्या सोच रहे थे? बबीता जी, आप बोले थे कि मैं रात को आऊंगा, पर आप आए क्यों नहीं? अरे क्योंकि जेठा जी, कल आपके बाबूजी थे ना घर पे, इसलिए। तो बाबूजी थे तो क्या प्रॉब्लम है उनसे, आपको बता क्या प्रॉब्लम है? अरे जेठा जी, आपको पता भी है, आप बिना रुके बिना थके आपके बाबूजी देते रहते हैं लगातार। अरे बबीता जी, बिना बताइए मुझे, ये बूढ़ा बिना थके बिना रुके आपको क्या देता है, बताइए मुझे जल्दी। अरे और क्या, भाषण देते रहते हैं बिना थके बिना रुके हुए। ओ अच्छा, तो भाषण देते हैं बिना, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अबे साले जेठालाल, कैसा दोस्त है तू? क्यों, क्या हुआ? अच्छा दोस्त ही तो हूँ। साला घंटा का तू दोस्त है, बता। जब मैं ऑफिस जा रहा था तो पोपटलाल बोले कि तुम्हारे बीवी पे लाइन मारा था जेठा जी। अब बताओ, तू घंटा का दोस्त है, मैं कैसे विश्वास करूँ तुम पे? साले साले, कल मैं तेरी बीबी की मदद करने के लिए गया था। साले रात को कौन सी मदद करने के लिए गया था तू? साले कौन सी मदद किया? तेरी बीबी की साड़ी उतारने गया था। साले धोखेबाज, गद्दार, मकार, अपनी दोस्त की बीबी की कोई साड़ी उतारता है क्या? साले मैं पहना हुआ साड़ी उतारने नहीं गया था, वो अलमारी में फंस गया था ना, तो मैं वो उतारने गया था, समझा?